पूर्वोत्तर रेलवे के राष्ट्रीय उद्योग निगम लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन मंगलवार को पूर्वोत्तर रेलवे की अधिकारी क्लब में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि पीसी मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेलवे के क्षेत्रीय महाप्रबंधक विजय प्रकाश ने उपस्थित उद्यमियों से कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह औद्योगिक विकास में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सूचना एवं लघु उद्योग ही रोजगार सृजन करने के साथ ही सामाजिक व आर्थिक विकास में प्रगति ला सकते हैं। इस अवसर पर एनी रेलवे द्वारा रेलवे स्टोर के लिए खरीदे जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका उपस्थित लोगों ने अवलोकन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के प्रबंधक इकबाल अहमद, उप प्रबंधक विक्रम प्रताप सिंह सहित रेलवे के कई अधिकारी व राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कि हम कौन सा आइटम चुने जिसमें कि हम बना सकते हैं और उस आइटम को में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो फर्में रजिस्टर्ड होती थी रेलवे के साथ उन्हीं को हम लोग बुलेटिन टेंडर दिया करते थे। धीरे धीरे ये सिचुएशन खत्म हो गई और वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये ऑनलाइन टेंडर पार्टिसिपेशन की वजह से ऑलमोस्ट रिडंडेंट और इनफेक्चुअस हो गए। अब रेलवे में किसी आइटम का ऑर्डर पाने के लिए आपको एक दो चीजें बड़ी मेन है जो मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे में दो तरह के आइटम होते हैं। एक आइटम होता है जिसके की कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसके की अप्रूव्ड सोर्सेज होते हैं और उन्हीं से हम बल्क क्वांटिटी खरीदते हैं, और जो अप्रूव नहीं है उनको हम लोग डेवलपमेंटल ऑर्डर वगैरह 20% क्वांटिटी तक देते हैं, बशर्ते उनका रेट जो है अप्रूव्ड सोर्सेज से कम है। अब इसमें भी दो तीन कैटेगरी है, वो आप बड़ी अच्छी तरह समझिए। देखिए, एक एजेंसी हमारी आरडीएसओ जो कुछ बहुत क्रिटिकल आइटम का अप्रूवल देती है लेकिन वो परचेज नहीं करती है, तो उसमें अच्छा सभी जितनी अप्रूविंग एजेंसीज हैं रेलवे में उस सबके अपने वेबसाइट है और उस सब में जो है कौन कौन से वेंडर किस किस चीज के लिए अप्रूव्ड है वो सब उसमें अप्रूव वेंडर डायरेक्टली लगी हुई है। अब दो तीन चीजें मैं आपको मेन बता दूं, जैसे इलेक्ट्रिक कोचेज है, आने वाले फ्यूचर में आज से 5 से 10 साल बाद आपको ये जो ICF कोचेज दिखाई दे रहे हैं खत्म हो जाएंगे और हर जगह आपको इलेक्ट्रिक कोच दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक कोचेज की जो नोडल एजेंसी है वो RCF है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, तो वो अब उसके वेंडर लिस्ट में अगर आप अप्रूव्ड है तो आप बहुत सारे आइटम को इलेक्ट्रिक को सप्लाई कर सकते हैं, उनका कोई फार्मल नहीं है। जब वो टेंडर इशू करते हैं अपना किसी आइटम का तो आप उस पर नजर रखिए और आपको लगता है ये आइटम हम बना सकते हैं तो आप उसमें अपना ऑफर डालिए, और ऑफर के साथ अगर आपने सफिशियंट अपना टेक्निकल एक्सपर्टाइज और मैन पावर और प्लांट एंड मशीनरी ये सब का एक्सपीरियंस, NSIC से रजिस्ट्रेशन, ये सब जब डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं और आपका ऑफर जो है लोअर है तो वो एक डेवलपमेंटल ऑर्डर आपको देते हैं, और उस डेवलपमेंटल ऑर्डर को एग्जीक्यूट जब आप कर देते हैं तो आप आगे के लिए अप्रूवल के लिए हकदार हो जाते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है, आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं ये जितने ICF के कोचेज के माल लगे हुए हैं ये 10 साल बाद इसकी जरूरत नहीं रहेगी, 10 साल बाद सब LHB कोचेज हो जाएंगे। आज रेलवे सिस्टम में 54,000 कोचेज हैं, 54,000 में 40,000 ICF के हैं और करीब 14,000 कोचेज हमारे LHB के हैं, और हर साल 3,000 कोच रिप्लेस होते हैं LHB से, तो आने वाले समय में LHB कोचेज रह जाएंगे। तो LHB कोचेज में अगर आपको सब इंटरेस्ट हो तो जो उसके मेजर आइटम है वो अप्रूव्ड सोर्सेज से ही लिए जाते हैं, और अप्रूव्ड सोर्सेज से लेने का मतलब आपको RCF के टेंडर पर ध्यान रखना है,